नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद चकनरोडा में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने आज इसमें ऑफ फ्रेंडशिप बाय फ्रांसिस बेकन, इसका ये पार्ट सेकंड है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट फर्स्ट देखिए। जैसे कि मैंने बताया था, ग्रीन जो राइटिंग है ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, और इसके नीचे जो है ये ब्लू टेक्स्ट जो है ये उसका एक सिंपल रूप है। तो मैं आपको इस सिंपल रूप की कंप्लीट हिंदी बताने जा रहा हूँ। जो रूलिंग क्लास यानी कि जो राजा महाराजा होते हैं, और सब्जेक्ट जो प्रजा होती है, प्रजा के बीच में हमेशा क्या होता है, एक दूरी होती है। ये जो दूरी इतनी ज़्यादा होती है कि इस दूरी को नॉर्मल तरीके से पूरा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए क्या करते हैं कि जो राजकुमार होते हैं वो कुछ लोगों को पसंद करने लग जाते हैं, और उन्हें उन्हें अपने नज़दीक लाने के लिए राजा महाराजा क्या करते हैं, उनका स्टेटस बढ़ा देते हैं और उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे देते हैं। इंटेंशन यही होती है कि उनकी दोस्ती को हम जीत सकें। इस तरह की जेनरोसिटी और एगरनेस जो हम कोशिश करते हैं कि वो भी हम इनको हम अपने इंडिविजुअल्स को आगे लाएं, कई बार क्या होता है कि इनसे बड़ी मुसीबत भी पैदा हो जाती है। क्यों जाती है कि जिस पर्सन को हमने चूज किया था, अपना दोस्त बनाया था, हो सकता है कि वो पर्सन बड़ा ही अपनी मन में बड़ा ही बदमाश हो, विग्ड पर्सन, और वो हमें नुकसान पहुंचा दे। जो जो इंडिविजुअल जो कि सोवर्जिन की इस तरह के कोटरी में, मतलब जो जो राजा महाराजा के इतने इस तरह नजदीक आते हैं, उन्हें फेवरेट कहा जाता है या प्रिवोडस कहा जाता है। प्रिवोडस मतलब इंटीमेट फ्रेंड, पक्के दोस्त। ये इंडिविजुअल जो होते हैं, ये इंडिविजुअल जो है, जैसे एक हम हमारी उन्हें एक फ्रेंड की तरह कंपनी देते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। पर जो जो अगर हम बात करें कि रोमन्स ने इन इंडिविजुअल को क्या कहा था, पार्टिसिपस क्यूरेरम, मीनिंग शेयरर ऑफ केयर्स। ये इंडिविजुअल क्या हमारी टेंशन दूर करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो राजा महाराजा को जो एंग्जाइटी और टेंशन होती है, ये उनको राजा महाराजा इनसे शेयर करते हैं। और ये सिर्फ कंपनी नहीं देते हैं, ये जो हैंड पिक्ड फेवर्ड होते हैं, जिन्हें उन्होंने चुना होता है, इन्हें इसीलिए इनको ही हम पार्टिसिपेट कुरेरम कहा जाता है। कुरेरम मतलब केयर में टेंशन, ये हमारी टेंशन की ध्यान रखती हैं। और जो टेंशन जो और ये लोग राजा महाराजा इनसे अपनी टेंशन शेयर करते हैं, तो ये क्लोज कॉन्फिडेंट होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके जो राजा महाराजा को अपनी सलाह देते हैं। इस तरह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और टेंशन की जो शेयरिंग है, इससे जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड मजबूत होता है। जैसे हम अकबर बीरबल की आप देख सकते हैं, तेनालीराम और महाराज की देख सकते हैं, कि इनसे क्या होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उनको अपनी टेंशन देके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक सेट करते हैं। ये इस तरह की जो प्रैक्टिस है, इसमें कई बार क्या होता है, ऐसा नहीं है कि जो कमजोर या इमोशनल रूलर हो वही ऐसा करते हो कि वही कुछ फेवरेट इंडिविजुअल को पिकअप कर लेते हो। जो बड़े कैपेबल और हार्ड नोज होते हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है, पॉलिटिकल एक्यूमन होता है, वो लोग भी ऐसा करते हैं। और ऐसे जैसे मैंने अकबर का एग्जाम्पल दिया, अकबर एक एबल रूलर था पर फिर भी उसको बीरबल चाहिए था। ऐसे जो किंग्स हैं, ये जो इन इस तरह के जो मेंबर्स को बड़े बड़े शान से अपना मित्र कहते हैं, और इन्हें क्या करते हैं, और ये भी वो ये भी चाहते हैं कि जो रॉयल्टी या ब्यूरोक्रेसी के और लोग हैं, वो भी इन्हें राजा का मित्र मानकर व्यवहार करें। इसीलिए उसने एग्जाम्पल देता है कि पोम्पाई को, जो सीलिया जो था, उसने पोम्पाई को पोम्पाई द ग्रेट का नाम दिया था। सीला सीला जो थे वो रोम के राजा थे, उन्होंने पोम्पे को पोम्पाई द ग्रेट का नाम दिया था। सीला ने ही अपने दोस्त पोम्पी को इतना ज्यादा महान बना दिया कि उसका नाम पोम्पी द ग्रेट कर दिया। पोम्पी जो था वो सीला वो अब इतना ज्यादा मतलब बोस्ट करता था, इतना अकड़ मारता था कि मैं सीला से ज्यादा सुपीरियर हूं। सो मच वो इतना ज्यादा कहता कि एक बार सीला ने जब पोम्पी की ने कोई डिसीजन लिया और उसका विरोध कर दिया, तो पोम्पी ने पब्लिकली इसको यह बताया कि
कि ज्यादा लोग जो हैं मैन मोर अडोर्ड द सन राइजिंग, उगते हुए सूरज को ज्यादा लोग सलाम करते हैं देन द सन सेटिंग, ना कि डूबते हुए सूरज को, मतलब कि उसके पास सिला से ज्यादा क्लट और पावर है। जूलियस सीजर की अब एग्जांपल देता है कि ब्रूटस ने धीरे धीरे जूलियस सीजर के दिल में अपनी जगह बनाई, वो सीजर का सबसे ज्यादा क्लोजेट, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट था और एडवाइजर था। तो इस तरह की कंपेनियनशिप का ये अवार्ड मिला कि सीजर ने जब अपनी विल बनाई तो उसमें उसने ब्रूटस को अपना उत्तराधिकारी बनाया अपने नेफ्यू के बाद। ब्रूटस ने सीजर के ऊपर एक ऐसा जादू किया कि उसका जो इन्फ्लुएंस था उसको कभी शक ही नहीं हुआ सीजर को ये कि एक बदमाश है। वो यही जो चीज थी बाद में सीजर की नेमेसिस बन गई, सीजर के पतन का कारण बन गई। सीजर के पास सब कुछ था पर उसने सीनेट को डिसमिस कर दिया क्योंकि एक इल ओमेन, एक अपशगुन हो गया जिसने उसकी वाइफ को भी एक डेडली ड्रीम आया कि एक आने वाला जो खतरा है वो सीजर पर कुछ खतरा हो सकता है। पर ब्रूटस ने वहां पे लास्ट टाइम पे आके सीजर को बोला कि यार भी तू अपना ना कालपुरना जो सीजर की वाइफ है कि उसने कोई सपना देख लिया, इस सपने का मतलब तो ये है। ब्रूटस ने इस तरीके से सीजर को समझाया और ब्रूटस ने इस तरह से एंटोनियस के लेटर को बताया जो कि सीजर सिसरो ने अपनी स्पीच में बताया था। एंटोनियस ने ब्रूसर को वेनाफिका यानी कि एक विच शैतान कहा था जिसने कि सीजर को एंचेंटेड सीजर पे एक तरह का मंत्र काला जादू कर दिया था। तो ये सब सीजर के क्योंकि पर ब्रूटस पर क्या हुआ, सीजर को भी ब्रूटस पे शक नहीं हुआ क्योंकि वो मानता था कि सीजर जो है वो मानता था कि ये मेरा सबसे ज्यादा क्लोज कन्फाइंड है। अगस्टस ने अग्रिपा को इसी तरह एक और एग्जांपल देता है कि अगस्टस ने अग्रिपा को रॉयल हायरार्की में ऊपर उठाया, हालांकि अग्रिपा जो था वो रॉयल बर्थ का राजा पर्सन नहीं था, मतलब उसके मम्मी पापा कोई नोबल फैमिली से नहीं थे। अग्रिपा की रॉयल कोर्ट में इतनी ज्यादा पावर थी कि वो उसको बहुत ज्यादा प्रिविलेज और पावर थी। जब अगस्टस ने रॉयल काउंसलर मैकिनक से कंसल्ट किया कि उसकी बेटी जूलिया की शादी किससे की जाए तो काउंसल ने क्या बोला कि तू अपनी शादी अग्रिपा से कर दे क्योंकि उसके आसपास कोई ऐसा बंदा ही नहीं था जो अग्रिपा के होते हुए उसे कर सके। अगर एम्परर को यह पसंद नहीं था तो उसे अग्रिपा को एलिमिनेट करना पड़ता, इसके अलावा थर्ड ऑप्शन नहीं था। जो तिबेरियस और सेजनस के बीच में फ्रेंडशिप है वो भी एक वाटर टाइट फ्रेंडशिप का एग्जांपल माना था। सीजरस ने तिबेरियस को ऊपर चार्म किया और उसका सबसे ज्यादा इंटीमेट कंपेनियन बन गया। इसका परिणाम ये हुआ कि सेजनस जो था, सेजनस को एक बहुत बड़ी प्रिविलेज और स्टेचर मिल गया। लोग ये मानने लगे कि दोनों एक इंस्पेरेबल पेयर है, दोनों का सुई और धागे का साथ है। बाद में एक लेटर में सेजनस को एक लेटर लिखा जिसमें टिबेरियस ने यह डिक्लेयर कर दिया कि उसके पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है। सेनेट ने मूड को समझ दिया और एक ऑल्टर बना, उनकी दोस्ती के लिए एक ऑल्टर बनाया क्योंकि उनकी जो दोस्ती थी वो गोडेस की, उनकी दोस्ती को ना एक उनकी साथ उनके कंपेनियनशिप को एक देवी का दर्जा दे दिया गया। इसी तरह की एक और क्लोज कंपेनियनशिप सेप्टिमस सर्वस और प्लॉटिनस के बीच में थी। सेप्टिमस ने अपने बेटे को मजबूर किया कि तो प्लॉटिनस की बेटी से शादी कर। दोनों के बीच में दोस्ती इतनी ज्यादा मजबूत थी कि वो उसने जो प्लॉटिनस ने जो बार्ब जो छोटे छोटे तीर मारे थे उसने उनको भी काउंटेंस करने में कोई परेशानी नहीं हुई। जो लैटिट्यूड प्लॉटिनस ने को दिया गया था उससे उसका रीजन खत्म हो गया। सेप्टिमस ने अपने दोस्त को इतना ज्यादा अच्छा अच्छा बोल के मतलब इतना ज्यादा रिडिकुलस लेवल तक उसको प्रभावित कर रखा था कि अपने एक लेटर में उसने ये बोला कि उसने ये विश की कि मेरा दोस्त जो है दुनिया में मेरे बाद भी जिंदा रहे।
इसी तरह से वो आगे एग्जांपल देता है, जितने भी उसने करैक्टर बताए थे वो सब नोवाइस नौसिखिए नहीं थे, वो कोई सॉफ्ट हार्टेड या नोबल माइंडेड लोग नहीं थे जैसे ट्रेजन, मार्कस ऑरेलियस, ये जो ये रोम की रॉयल्टी के एमिनेंट मेंबर थे, हार्ड नोज प्रैग्मेटिस्ट थे, लेकिन उन्होंने कोई मेजर इन्होंने जो भी गवर्नेंस का डिसीजन लिया वो केयर के साथ, कॉशन के साथ, बड़ी सोच समझ के लिया था, पर फिर भी उन्होंने अपने दोस्तों को इतने अजीब तरीके से, अपने दोस्तों पे वो क्यों फोन नंबर हो गए, क्यों अपने दोस्तों पे इतना परेशान विश्वास कर गया, क्योंकि इसका एक ही, इसको हम एक ही तरीके से समझा सकते हैं।